नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार अष्टांग योग का पांचवा अंग क्या है। ऋषि जन कहते हैं कि इंद्रियों के व्यर्थ संकलन को रोकने और उसे उस दिशा में लगाए जिससे आपका जीवन सुख हो, शांतिमय व्यतीत हो। अष्टांग योग का पांचवा अंग प्रत्याहार है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये पांच योग के बाहरी अंग है, अर्थात योग में प्रवेश करने की भूमिका मात्र। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रिय को इन घातक वासनाओं से विमुख कर अपनी आंतरिकता की ओर मोड़ देने का प्रयास करना ही प्रत्याहार है। क्या है वासना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह तो मोटे मोटे नाम है, लेकिन व्यक्ति के इन कई बाहरी बातों में रत रहता है जो आज के आधुनिक समाज की उपज है, जैसे शराब, घोड़ी, सिनेमाई दर्शन और चाचाई, अधिकतर शोरपूर्ण संगीत, अति भोजन जिसमें मांस भक्षण के प्रति आसक्ति, महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ और ऐसी अनेक बातें जिससे कि पांच इंद्रियों पर अधिक भार पड़ता है और अनंत वह समय पूर्ण निडाल हो बीमारियां की चपेट में आ जाती है। नुकसान आँख रूप को, नाक गंध को, जीभ स्वाद को, कान शब्द को और त्वचा स्पर्श को भोगती है। भोगने की इस वृत्ति की जब अति होती है तो इस सब से मन में विकार की वृद्धि होती है। यह भोग जैसे जैसे बढ़ते हैं, इंद्रियां सक्रिय होकर मन को विक्षिप्त करती रहती है। मन ज्यादा व्यंग तथा व्याकुल होने लगता है जिसके से शरीर का क्षय होता है। उपाय: इंद्रियों को भोगों के दूर करने तथा इंद्रियों के रूप को भीतर की ओर मोड़ कर स्थिर रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास के से इंद्रियां स्थिर हो जाती है, सभी विषयों समाप्त हो जाते हैं। अनंत प्राणायाम के अभ्यास से प्रत्याहार की स्थिति अपने आप मन में लगती है। दूसरा उपाय है रोज सुबह और शाम 5 से 30 मिनट का ध्यान। इस सब से बावजूद यदि आपने भीतर संकल्प है तो आप संकल्प मात्र से प्रत्याहार की स्थिति में हो सकते हैं। हालांकि प्रत्याहार को साधने के अठ योग में कई तरीके बताए गए हैं। लाभ: यम, नियम, आसन और प्राणायाम से साधने से प्रत्याहार स्वयंत ही सिद्ध आता है। इसके सिद्धने से व्यक्ति का एनर्जी केवल बढ़ता है, पवित्र का कारण औज में निखार आता है। किसी भी प्रकार के रोग शरीर और मन से पास भटकते तक नहीं है। आत्मविश्वास और विचार क्षमता बढ़ जाते जिससे दाना सिद्ध में सहयोग मिलता है। खासकर ये अनंत में छलांग लगाने के लिए स्वयं के तैयार होने की स्थिति है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।